नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों रेडमिल बिजनेस मॉल की बड़ी अपडेट आ चुकी है। शायद आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल चुका होगा कि कैश आउट की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो चुका है। दोस्तों अब आज तो इसका सॉल्यूशन हो चुका है, क्या ये प्रॉब्लम आगे भी आएगी? क्या अब लोगों ने यहाँ पर ट्रांजैक्शन करनी बंद कर देनी चाहिए? क्या ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू रखना चाहिए और ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को मैनेजमेंट तक ज़रूर पहुँचाना। दोस्तों ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करें। दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं रेडमिल के अंदर एक मास्टर फ्रेंचाइजी हूँ और 4 अगस्त से मैंने मास्टर फ्रेंचाइजी लिया था। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए लगभग 2 साल से भी ऊपर का टाइम मुझे हो चुका है। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर जो खूबसूरती, इस एप्लीकेशन के अंदर जो फीचर्स मुझे दिखाई दिए शायद ही किसी एप्लीकेशन के अंदर होंगे। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे होगी। दोस्तों ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हिंदुस्तान के लाखों युवाओं को पैसा दे सकती है कमा के। जैसा कि यूट्यूब एक ऐसा सिस्टम है जहां से लाखों रुपए कमाया जा सकता है, करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है, इसी प्रकार हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका नाम है रेडमिल बिजनेस मॉल, जो लाखों युवाओं को करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा के दे सकती है। और इस एप्लीकेशन के अंदर जो कमियां हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना, मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचाना। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉब्लम की। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है पर आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर सुनना है, ध्यान से देखना है, शेयर करना है। अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो कमेंट जरूर करना है। दोस्तों 24 मार्च को प्रॉब्लम आई, हमने कस्टमर केयर को कॉल किया, कस्टमर केयर आपको कहीं पर भी संतुष्ट करता हुआ नज़र नहीं आता इस एप्लीकेशन के अंदर। आप रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करते हो क्योंकि एक अपॉइंटमेंट इन्होंने दी है रिलेशनशिप मैनेजर की, आप उनको कॉल करते हो, वो भी 99% फेल है आपको संतुष्ट करने में। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि उनको इस तरह से, मतलब उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है शायद कि इस कस्टमर को कैसे, किस प्रकार आपको उसको खुश कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम इनका फेलियर है और मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, मैं डायरेक्ट भी बोल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सिस्टम हमारा है, हमने मिलके इसको आगे लेके चलना है। और जब तक कमियाँ हम किसी को नहीं बताएंगे वो अपनी कमियाँ दूर नहीं करेगा इंसान। तो यहाँ पर इन्होंने या तो 24 तारीख को ही मैसेज देना था या 25 तारीख को इन्होंने मैसेज दे देना था ताकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा ना हो। उसके बाद जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 1 वीक कोई बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, 1 वीक का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है और इस 1 वीक के अंदर बहुत सारी कस्टमर्स को प्रॉब्लम आई हैं, रिटेलर्स को प्रॉब्लम आई हैं। दोस्तों तो यहाँ पर मैनेजमेंट को डायरेक्ट आप लोगों से बात करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी मैं वो और बता देता हूँ। आप कस्टमर केयर के पास कॉल करिए, टिकट जनरेट अगर आप नहीं करते हो तो, अब आप अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने कस्टमर केयर को कॉल की, कस्टमर केयर क्या बोलेगा कि मैं फलाना फलाना रेडमिल की तरफ से बोल रहा हूँ। कई बार तो इतनी बातें भी नहीं बोलता, वो इतना भी नहीं बोलता। आप रिकॉर्डिंग करिए अगर मैं गलत हूँ तो। आप उसको प्रॉब्लम बता देते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या आपसे वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछता है? नहीं पूछता। क्या आपका वो नाम पूछता है? नहीं पूछता। जब तक आपका वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही नहीं पूछेगा, जब तक आपका उसका नाम का ही नहीं पता होगा तो आपका सॉल्यूशन कैसे करेगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है सर। सर जब भी आप कोई किसी भी अमेजोन पे कॉल करो या किसी बड़ी भी ई कॉमर्स साइट के ऊपर कॉल करते हो, आप बैंक में कॉल करते हो, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछता है कि नहीं पूछता है? आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी पूछता है कि नहीं पूछता है? सर पूछता है।
जब तक वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेल आईडी नहीं पूछेगा तो आपका सॉल्यूशन कैसे करेगा। आपने फोन किया, आप खुश हो गए कि मैंने कस्टमर केयर से बात कर ली, वो उसने फ़ोन रख दिया, आपने भी फ़ोन रख दिया और आपकी जो पेंडिंग प्रॉब्लम है वो सेम टू सेम रह जाएगी दोस्तों। या तो आप टिकट जनरेट करिए वहाँ पर ताकि उनको पता चले, उनके सिस्टम में मैसेज जाए कि इस यूज़र आईडी से, इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक टिकट जनरेट हुई है, इसको, इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, तब तो आपका सॉल्यूशन होने का कुछ मतलब बनता है, चांस बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। 24 तारीख तक शाम तक भी किसी भी रिलेशनशिप मैनेजर ने ये कॉल करके नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम आ चुकी है, आप अपनी ट्रांजैक्शन को कम कर दीजिए। यहीं पर सबसे बड़ी कमी हुई है। और उसके बाद 1 वीक कंप्लीट हो जाता है, कोई भी बड़े लेवल का मतलब एमडी हो, सीएमडी सर हो या नेशनल हेड हो, जो भी कई पोस्ट इन्होंने रखी हैं, उनकी तरफ से कोई भी एक लाइव मीटिंग नहीं हुई है जहां पर उनको ये बताया जा सके भाई साहब आप अपने ट्रांजैक्शन को रोक दीजिए। और मैं यहां पर ये बोलना चाहता हूं कि आपको हर एक रिटेलर से बात नहीं करनी सर, आपको हर एक यूजर से बात नहीं करनी, हम भी इतना जानते हैं कि आपको एक तरीके से बात करनी है, एक सिस्टम में बात करनी है, एक बिजनेसमैन की तरह एक बिजनेसमैन से ही बात करनी है। आप लोग अगर आप लोगों पे विश्वास करते हो, आपका चाहे एक रिटेलर हो चाहे आपका मास्टर फ्रेंचाइजी हो, अगर आप उसके ऊपर आपका बिलीव है तो आप लोगों के एक तरीके से बात करनी होगी। हर एक 15 दिन में एक मीटिंग होगी, ज़बरदस्त मीटिंग होगी वो, और मैं मानता हूँ कि वो नंबर 1 मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी कि आप लोगों को एक तरीके से बात करनी होगी मास्टर फ्रेंचाइजी से या फ्रेंचाइजी से। मैं तो ये बोलता हूँ कि मास्टर फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी दोनों से बात करिए, क्योंकि ये दोनों मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अपने लिए, आपके लिए भी और खुद के लिए भी। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी के लिए मेहनत करता, नहीं, पहले अपने लिए कर रहा है बाद में कंपनी के लिए करता है। और यहाँ पर हम एक परिवार हैं और परिवार की तरह अगर हम रहते हैं तो जो बड़ा मुखिया है परिवार का, उस मुखिया को पूरा एक गेट टुगेदर करना पड़ेगा, एक मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर एक मुखिया आपके सामने नहीं आएगा तो हम कैसे विश्वास कर पाएंगे कि इसका मुखिया कौन है। तो जो मेन आदमी है घर का, उसको मैं देसी तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ये बातें आगे शेयर हों और इसके ऊपर एक्शन होगा, मुझे पता है। तो मुखिया का आना बड़ा ज़रूरी है। मुखिया के आने से क्या होता है, घर का मुखिया अगर आपके सामने है, वो बोल लेता है कि भाई हमारे सिस्टम में ये कमी आई है, हमारे घर के अंदर ये प्रॉब्लम आई और इस प्रॉब्लम को हमने इस तरह से इतने दिन में टाइम से दूर करना है, और इसमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का विश्वास चाहिए। तो लोगों का जो विश्वास होता है ना, क्योंकि ये जो इंडियन हम, जो हमारा कल्चर है, जो हम हिंदुस्तानी हैं, ये बड़े भावनाओं में जो बड़ा जल्दी बह जाते हैं। और हमें, मुझे पूरा विश्वास है कि रेडमिल का हर एक यूज़र कंपनी के साथ होगा। जो बातें आज हुई हैं ये नेगेटिव टाइप की बातें, ये इन फ्यूचर कभी नहीं होगी। और बस बातों को कितना ही खींच लो, मैं इतना ही मैसेज देना चाहता था कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि थोड़ा सा उत्तेजित हुए हों और जागें और हमारे साथ बात करें। अब ये सुनने को आता है कि सर टाइम नहीं है, मैं ये बोलता हूं सर टाइम निकालना पड़ेगा। जब सपने आपने बड़े देखे हैं और आपने लोगों को सपने बड़े दिखाए हैं तो जागना पड़ेगा सर। या तो आप सपने खुद मत देखो या दूसरों को मत दिखाओ, अगर आपके साथ अच्छे बंदे आए हैं तो उनके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ कस्टमर केयर नहीं है सर, कस्टमर केयर समाधान नहीं है। कस्टमर केयर पे विश्वास, कस्टमर केयर तो आज आया कल चला जाएगा सर, मेरे साथ हो चुका है ये। मैंने एक फ्रेंचाइजी दी थी आज से, तब मैंने अच्छी तरह काम करना भी स्टार्ट नहीं किया था रेडमिल के अंदर, और उस टाइम पे उस प्रॉब्लम हुआ क्या, मैं उसको रेफ़र नहीं कर पाया, उसमें एक इश्यूज आ गया था कि मैं अपनी आईडी ओपन नहीं कर पाया था रेडमिल की। ये भी आपको घटना बता देता हूँ मैं। और मैंने कस्टमर केयर को बात की कि सर मैं अपनी आईडी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम, आप बंदे से पेमेंट करवा लो, उसका हम मैन्युअली कर देंगे, आपकी जब आईडी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा तब मतलब उसको आपकी टीम में ज्वाइन कर देंगे।
मैंने यस बोल दिया, बंदे की पेमेंट डन होगी। और उस टाइम पे फ्रेंचाइजी की जो कीमत थी वो थी 7,500 रुपया। तो मैंने सामने वाले से पेमेंट करवाई और मैं बिलीव नहीं करोगे, आज तक वो मेरी टीम में नहीं है। और उसका मैं अब माइंड से ही निकल गई मेरे से, और वो बंदा भी कंपनी छोड़ के, जो केयर वाला था वो कंपनी ही छोड़ के चला गया। तो ये एग्जांपल आपको क्या सिखाता है? क्या कस्टमर केयर पे हम भरोसा कर सकते हैं? नहीं, कस्टमर केयर तो आ जाएगा, कल चला निकल जाएगा। सर, हमें आपसे कम्युनिकेशन करना है, आप लोग हमेशा रहोगे, आप लोग जब तक हमारे साथ खड़े हो तब तक हमें विश्वास हमारा डबल ट्रिपल रहेगा, और जब तक आप लोग हमसे बात नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। बोलते हैं कि सर आप मैसेज ज़्यादा करते हो, लोगों की प्रॉब्लम आएगी तब भी तो हम मैसेज करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बनाया जा सकता है जहाँ पर एमडी सर, सीएमडी सर या मैनेजमेंट की और सारी टीम मैसेज कर सकती है कि ये प्रॉब्लम है, और टेलीग्राम ग्रुप बड़ा ज़रूरी है। एक अकाउंट था यूट्यूब का, वो भी शायद किसी कारणवश से डिलीट हुआ होगा, मुझे नहीं पता क्या कारण था, इश्यूज आ जाते हैं। मेरा जो मानना है कि कंपनी ने जो पर्सनल डिटेल थी वो सारी ओपन की हुई थी, इसी कारण यूट्यूब ने इसको डिलीट किया होगा, मुझे मेरा जो मानना है, पर मुझे नहीं पता इंटरनल मैटर क्या है। पर अब वो टाइम नहीं है, हम उस पीक पॉइंट पे आ चुके हैं। पूरी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लीडर जो एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के अंदर काम करते हैं, उनकी सबकी नज़र रेडमिल के ऊपर आ चुकी है। और जब इतने बड़े बड़े लीडर कंपनी में आते हैं तो वो कस्टमर केयर से बात नहीं करते यार, उनकी लाखों की टीम, वो चुटकियों में टीम खड़ी कर देते हैं, वो डायरेक्ट एमडी सर से, सीएमडी सर से बात करते हैं। अगर हम उनसे बात करना चाहते हैं किसी की, मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, एक बड़े लीडर को मैं लेकर आया, वो एमडी सर से, सीएमडी सर से बात करना चाहते हैं, तो वो एमडी सर, सीएमडी सर अगर उससे बात नहीं करेंगे तो मेरी फेस वैल्यू क्या रहेगी, और मैं क्या वो बंदा कभी कंपनी में ज्वाइन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो जब तक ये दूरी अगर हम दूर नहीं कर पाएंगे तो शायद लोग यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। ये घटना मेरी नहीं है कि आप सोचो कि सर मेरी ही घटना है, ये हर एक लीडर की घटना है, हर एक रिटेलर की घटना है, हर एक मास्टर फ्रेंचाइजी की, डिस्ट्रीब्यूटर की, फ्रेंचाइजी के साथ हुआ है ये, और आपके सामने है। और मैं सत्य रखना बड़ा पसंद करता हूँ, उसके लिए कुछ भी हर्जाना भुगतना पड़े नो इशू। सच्चाई सच्चाई हो सकती है, सच्चाई को थोड़े दिन के लिए दबाया जा सकता है, सच्चाई हमेशा ऊपर ही आती है, टाइम जरूर लगता है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप लोग हर एक कंपनी के बारे में गलत बोलते हो। मैंने पहली बार एमएलएम कंपनियों के बारे में गलत बोला है, रेडमिल बिजनेस मॉल के बारे में कभी भी गलत नहीं बोला। लोगों की सोचने की नज़रिया अलग है, आप क्या सोचते हैं इस बात को जो मैंने बोली है वो आपकी सोच है, ये कंपनी के बारे में गलत नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए है, आपके हित के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके प्यार दो, शेयर करो, ताकि हम लोग एक परिवार की तरह रहें, अच्छे से रहें, और हमारे मुखिया हमारे साथ खड़ा रहे। हमें और से मतलब नहीं है, हमें रिलेशनशिप मैनेजर से मतलब नहीं है, हमें कस्टमर केयर से मतलब नहीं है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं कर पाता यार, वो संतुष्ट नहीं कर पा रहा आप लोगों को, मुझे पता है इस बात का। और यही हमें उनको बताना कि ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो इनकी ट्रेनिंग में कमी है या फिर और कमी है। कस्टमर केयर को टाइम मिल जाता है आपके एम्प्लॉय से बात करने के लिए, जब आपने आज रेफ़र किया किसी को, आज आपने किसी को रेफ़र किया, उससे बात कर लेगा वो अच्छे से, पर आपकी सॉल्यूशन करते वक्त बीच में ही फ़ोन काट लेता है। ये आप, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो करके देखिए इसको आप, क्या कोई कस्टमर केयर आपके फ़ोन काटने से पहले फ़ोन काटता है? नहीं, कोई भी नहीं काटता है, केवल और केवल यहीं पर काटते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को हमने बताना है लोगों को, मतलब मैनेजमेंट को। तो प्लीज़ आप लोग इसमें
आज से ट्रांजैक्शन जरूर करें। मेरी विनती आप लोगों से, बिल्कुल भी ना घबराएं और इस बातों को भी आप आगे तक जरूर शेयर करें। ज़्यादा लंबी बात हो चुकी है, बातें कभी ख़त्म नहीं होती। और देखिए ट्रांजैक्शन आज सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो चुकी है, अभी विड्रॉल भी किया था मैंने। और पिछले एक हफ्ता से जो हमारा जो इनकम था वो बड़ा कम हुआ है, सबका कम हुआ है। मैं ये मानूंगा कम से कम 70% कम हुई है, तो वो आज से ही आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा कल से ही बढ़ना स्टार्ट हो चुका था शाम के, नहीं तो 24 तारीख को 500 रुपये आता था, 300 पे आ चुकी थी गाड़ी और धीरे धीरे 120-130 रुपये पे आ चुकी थी। मतलब 500 रुपये से लेके 500 से डाउन 120-130 रुपये पे, और कल ही 182 रुपये आया है। क्योंकि कल कुछ हद तक सुबह से लेके शाम तक कैश आउट की जो प्रॉब्लम थी वो उसका सोल्यूशन हो चुका था, और अब 100% उसका सोल्यूशन हो चुका है। अगर इवन 1% भी अगर बचा हुआ है तो उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो यार। प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम चली गई, प्रॉब्लम आगे भी आएगी, प्रॉब्लम चली जाएगी, पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो चुका है जहाँ पर सपने जो आपके हैं ना वो आप पूरे कर सकते हो। जो भी आपके सपने हैं, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, जो भी आप कुछ लेना है वो रेडमिल से ले सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जज्बा लेकर आना पड़ेगा, थोड़ा जोश पैदा करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड में जाना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, तब पैसा है, ऐसे पैसा नहीं है यहाँ पर। मेरी कुछ प्लानिंग थी अभी 23 तारीख को, उस प्लानिंग के ऊपर भी मैं बात करूँगा। 24 तारीख को जैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम आई फिर वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। अगर वो प्लानिंग हमारी सक्सेस हो जाती है, अगर हम, क्योंकि वो पार्टनरशिप में करनी है, अगर वो वहाँ पर सक्सेस हो जाती है तो यकीन मानिए रेडमिल से मैं पहला बंदा होऊंगा जिसका पे आउट लाखों में पहुँचने वाला है, और उसके लिए मैंने तैयारी कर दी है, उसके लिए तैयारी हमने कर दी है, और अब हम कुछ बड़ा करने की प्लानिंग है। अगर वो सक्सेस हो जाता है दोस्तों तो आप लोग भी अगर उस प्लानिंग के तहत चलते हैं, और आपके जो माइंड है आप करिए, मेरे से पहले भी अगर कर सकते हो तो करिए, क्योंकि मेरा हो सकता है टाइम लग जाए, पर आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि उसके ऊपर हम एक दिन अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या मेरी प्लानिंग है। अगर आप उसको पहले मेरे से कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना, इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना आगे तक, ताकि हमारा जो दर्द है ना हमने उसको बयां किया है, हमने ना कोई गलत बात बोली है ना कोई नेगेटिविटी फैलाई है, हमने जो एक होता है ना एक पोइम होती है, कविता जो शायरी होती है वो क्या करती है, एक दर्द बयां कर देती है लोगों का। तो यहाँ पर हम ना तो शायर हैं ना हम कोई कवि हैं, हमने अपना दर्द इस वीडियो के माध्यम से बयां किया है, और ये दर्द मेरा नहीं है, ये हर एक रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, फ्रेंचाइजी का, मास्टर फ्रेंचाइजी का दर्द है। तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना, ताकि उनका हर एक एम्प्लॉय इस वीडियो को देखे, और जो एक कस्टमर केयर है वो भी इस वीडियो को देखे, उनको पता चलेगी कि तुम लोग गलती क्या कर रहे हो, रे बाबा गलती कहाँ पर है तुम लोगों से। जब लोग आप पे इतना विश्वास करते हैं और आप लोग उस विश्वास पे खरे नहीं उतर रहे हो तो कमी कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर ही है। पता क्या होता है, लोग हर एक इंसान की एक बड़ी कमी लगा लो या खूबसूरती लगा लो, अपनी कमियाँ उसको नहीं दिखती। दोस्तों अगर हम अपनी कमियाँ ढूंढ लेना तो ये जो जहाँ है ना हमें स्वर्ग पता नहीं ऊपर मिलेगा कि ना मिलेगा, यहीं पर स्वर्ग है। अगर हम अपनी कमी ढूंढ लें और उस कमियों को दूर करना स्टार्ट कर देना तो बड़ा मज़ा है, ज़िंदगी जन्नत यहीं पर है, ऊपर तो पता नहीं जन्नत मिलेगी कि ना मिलेगी, जन्नत इधर ही है जो कुछ है। अगर ये कमियाँ रेडमिल के अंदर दूर हो जाती हैं तो यहाँ पर इतना सब कुछ मिलने वाला है, प्यार, मोहब्बत, पैसा, नेम, फेम, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ रेडमिल के अंदर मिल सकता है आप लोगों को। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो लंबी जरूर हुई है